इसी को हॉल टिकट नंबर बोलते हैं। एनएन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया है फर्स्ट शिफ्टाइन भाई सब का। एंड अभी डाउनलोड करके चलो आपको बता देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे प्रीवियस टाइम के जितने भी PDFs हैं, जितने जो बन पा रहे हैं ना, वो शेयर कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पे आके कर लीजिएगा। ये देखो मैंने मॉर्निंग के जितने फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर किए थे, जीके के सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट के जीके के तो क्वेश्चन थे। उसके बाद ये पूरा पूरा पेपर ही था, एक्स वाई ग्रुप का जितना पेपर बन गया था वो पेपर यहाँ पर शेयर किया था, और भी निकाल निकाल के यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सो मैं एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ, CSB, ये मैं सीधा डायरेक्ट आपको उसी पे शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे। और आपको यहाँ पे जाके सीधा कैंडिडेट लॉगिन पे ही क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे देन इंटरफेस आ जाएगा, आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चर फिल कर देना है, लॉगिन क्लिक कर देना है। इतना कर दूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो मैंने फिल कर दिया और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। साइन इन का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन आपका एडमिट कार्ड आपके सामने, कैप्चर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम इसे फिर से डाल देते हैं, बाकी डोंट वरी इसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बस जैसे किया हमने, देखो यहाँ पे सारी सारी चीज़ें डन थे। प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन एग्जाम डेट एंड प्रिंट एडमिट कार्ड फॉर फेस फर्स्ट। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे नीचे नहीं चल रहा, जस्ट इसके नीचे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और अपने सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो मैं चलो फ़ोन को पोर्ट्रेट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो इस बार एक अच्छी चीज़ देख रहे हो, कितना अच्छा चीज़ एयरफोर्स वालों ने किया, लोकेशन भी ऐड कर दिया और उसका यहाँ पे लिंक भी दे दिया है। तो कैंडिडेट सीधा इस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, वैसे जो जो कैंडिडेट कानपुर पे आ रहे हो, डोंट वरी, कहीं से भी आ रहे हो अपन पूछिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा पता करके। इनका शिफ्ट C1 पे होने वाला है डेट ऑफ एग्ज़ाम, इन्होंने बोला फर्स्ट शिफ्ट नहीं, इनका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। बोथ साइंस एंड अदर साइंस कैंडिडेट, इन्होंने मतलब कि बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किया था, जेंडर मेल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलो ठीक है। और ये कलर प्रिंट आउट पे आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है। बैक टू बैक मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे एग्ज़ाम ड्रेस कोड वगैरह एवरीथिंग मेंशन कर रखा है, COVID-19 के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और अग्निवीर वायु के लिए सिलेक्शन लिस्ट के लिए यहाँ पे वो आपका COVID-19 वाला फॉर्म दे रखा है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये इनका हाल टिकट नंबर दे रखा होता है, ये सभी का हाल टिकट नंबर होता है, ठीक है। यही आपको जब फॉर्म देते हो ऑफिशियल ऑनलाइन वाला मॉक टेस्ट, तो उसमें आपको ये हाल टिकट नंबर डालना होता है। उसके बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हो फेस फर्स्ट का एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर इंटेक 01/2022 वैलिड फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, वैलिड फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली के लिए वैलिड होने वाला है। बाकी मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को संकेत दे दिया है, जो भी नहीं हो जुड़ जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, जिनका 26 तारीख के बाद जिनका 23, 24, 25 को एग्ज़ाम है, वो अभी इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। मैं उन्हें अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, मेरा सजेशन उनके लिए कि रिवीजन करिए। बाकी जिनका एग्ज़ाम 26, 27, 28, 29, 30, 31 को है, वो अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा पर जाके लगा सकते हो। 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अग्निवीर के नाम वाले नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड करके वहाँ पे एक हैं, आप वो वाले लगा लीजिए। वहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, आप ये ऑनलाइन D50 फिल करोगे तो उनका प्राइस जो होगा अगर ओल्ड वाले करोगे 6 महीने पुराने ही हैं वो, उनका प्राइस 125 रुपीज़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं वो। देखो ये हैं यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ओल्ड, उसी परीक्षा एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाके लगा सकते हो, ठीक है। जो दिक्कतें आ रही हो, जो समझ में आ रहा हो, पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी जिनको 24 का एग्ज़ाम है वो इसमें मत पढ़ें, उनको तो मैं एक ही सजेशन की रिवीजन करिए, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल।